बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी जगह तीन बार सोनवर्षा से जेडीयू विधायक रत्नेश सदा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। रत्नेश सदा अच्छे वक्ता और अपने समाज में खूब पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा पाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेहद कठिन परिश्रम से ही अब तक का मुकाम हासिल किया है। पिता लक्ष्मी सदा मजदूर रहे हैं, खुद रत्नेश सदा ने लंबे समय तक रिक्शा चलाया है। सोनवर्षा सहरसा विधानसभा सीट से 2020 में जेडीयू से लगातार तीसरी बार विधायक बने रत्नेश सदा का राजनीतिक सफर 1987 से शुरू हो गया था। वे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा सक्रिय रहे। वे जेडीयू के विभिन्न इकाइयों से राजनीति से निरंतर जुड़े रहे। जेडीयू महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे पार्टी में उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, सह सुपौल जिला संगठन प्रभारी समेत अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। पहली बार जेडीयू के टिकट पर नवंबर 2010 में विधायक बने थे। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है और उनकी उम्र 49 साल है। कुल घोषित चल एवं अचल संपत्ति 1.30 करोड़ है। उन पर किसी तरह का कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है। उनके 3 पुत्र और 2 पुत्री हैं। वे सहरसा जिले की कहरा कट्टी वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। कबीर पंथ को मानने वाले सदा इस रूप में भी बड़ी पहचान रखते हैं। उनकी वाणी सुनने अच्छे तादाद में लोग जुटते रहे हैं। दलित समाज के उत्थान तथा उनकी सेवा के लिए ये सदैव तत्पर तथा प्रयासरत रहे हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।